नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे ITI इंस्ट्रक्टर एडमिट कार्ड को लेकर कि भाई आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे। स्टीक इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेकर आया हूँ, साथ ही साथ आपके किस किस ज़िले के अंदर जो है आपका ITI इंस्ट्रक्टर के एग्जाम होने जा रहे हैं इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ बात करेंगे भाई टोटल कैंडिडेट कितने हैं जो ITI की परीक्षा देंगे, टोटली सभी कैटेगरी के मिलाकर कितने लाख हैं या हज़ार हैं ऐसे युवा हैं जो ITI इंस्ट्रक्टर की विभिन्न कैटेगरी की परीक्षा देंगे, जिससे आपको कंपटीशन के बारे में अंदाजा हो। और किस ज़िले में आपका ITI इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम होगा, हरियाणा के कितने ज़िले सेलेक्ट किए गए ऑनलाइन परीक्षा के लिए, और आपके एक्चुअल में एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया आप सभी को इंतज़ार करते हुए। तो तीन एक ऐसे सवाल थे आपके माइंड में जिनका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, आज की इस वीडियो में तीनों का आपको मैं जवाब देने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं वो लिस्ट दिखा देता हूं जो मेरे पास आई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भाई हरियाणा के किस किस ज़िले के अंदर आपके जो हैं ITI इंस्ट्रक्टर के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। जो आपका री एग्जामिनेशन शेड्यूल आया जिसमें 3 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक आपकी एग्जाम चलेंगे। दोस्तों, ये लिस्ट मेरे पास आई थी जब आपका एग्जाम 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक होने थे, लेकिन कैंडिडेट वही हैं, एग्जाम सेंटर भी उतने ही हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेट बढ़ाई गई है। क्योंकि आप सभी को परेशानी हो रही थी कि भाई एक ही डेट को हमारे कई एग्जाम कोलैप्स हो रहे थे, जिसको लेकर मैं HSSC में गया, एप्लीकेशन भी देकर आए, जिससे आपको वहां पर भी फायदा हुआ। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर, अंबाला जिले के अंदर, यमुनानगर जिले के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर आपके सेंटर बनाए गए, साथ साथ गुरुग्राम फरीदाबाद के अंदर आपके जो है एग्जाम सेंटर बनाए गए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, यमुनानगर, अंबाला, चंडीगढ़, फरीदाबाद और गुरुग्राम, इन जिलों के अंदर जो है आप सभी के ITI इंस्ट्रक्टर के लिए एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। दोस्तों, ये तो बात होगी कि भाई एग्ज़ाम सेंटर कितने ज़िलों में बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो कब तक आएंगे। दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक नहीं तो कल 100% आप सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और दोस्तों, इसमें एक अपडेट और आ रही है, जिन भाइयों का एग्ज़ाम 3, 4, 5 को, पहले सिर्फ उन्हीं के एडमिट कार्ड आएंगे, सभी के एडमिट कार्ड एक साथ नहीं आएंगे। तो ये अपडेट होगी कि भाई एग्ज़ाम सेंटर कहाँ, ये अपडेट होगी कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। अब बात करते हैं कितने कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, एक दिन आपके 7400 कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम देंगे। कितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे दोस्तों, 7400 कैंडिडेट आपके एक दिन के अंदर एग्जाम देंगे। एक शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर 7400 कैंडिडेट एक दिन एक शिफ्ट में देंगे, एक दिन में 2 शिफ्ट हैं, तो करीब करीब आप लगा सकते हैं 15000 के आसपास कैंडिडेट एक दिन परीक्षा देंगे। एक दिन के अंदर अगर 15000 कैंडिडेट हैं, तो टोटल आप यहां पर कर सकते हैं जितने दिन भी आपकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। इसमें कुछ कॉमन कैंडिडेट भी हैं और कुछ अब्सेंट भी रहेंगे, तो कुल मिलाकर करीब करीब आपके 70-80 हज़ार से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बनते हैं। क्योंकि पहले एक दिन में अलग अलग शिफ्टें थी, अब जो है आपका ये आप एक दिन के अंदर 15000 है, 10 दिन है, तो 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट आपके बनते हैं, जिसमें से एबसेंट रहेंगे, कुछ कॉमन है, तो 1 लाख के आसपास मान के चलिए परीक्षा देंगे। तो इस प्रकार से आपका कंपटीशन ITI इंस्ट्रक्टर के लिए बन रहा है। कितने कैंडिडेट है वो बात होगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे वो बात होगी, और आपके सेंटर कहाँ कहाँ बनाए गए वो बात होगी। तो दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भाई चैनल पर नया है, रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।